पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रजनीश एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो कर्ण पिशाचनी की साधना कर उसे प्रसन्न करता है। आपने ये भी देखा कि उसे अमित सिंघानिया की बेटी आकांक्षा से प्यार हो जाता है। अमित सिंघानिया शहर का बहुत अमीर आदमी होता है। उसे रजनीश की ये हिमाकत पसंद नहीं आती है। वो उसे काफी भला बुरा कहता है और रजनीश को अमीर बनने का चैलेंज देता है। रजनीश वहाँ से वापस लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बहुत सारे पैसे कहाँ से कमाए, क्योंकि रातों रात तो वो इतने सारे पैसे कमा नहीं सकता था। कहाँ से, आखिर कहाँ से इतने पैसे आएंगे? मैंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं मेरी इस गलती के कारण आकांक्षा मुझसे हमेशा के लिए जुदा ना हो जाए। लेकिन मैं करता भी क्या, आकांक्षा के पापा मेरी गैरत को बार बार ललकार रहे थे। अरे मुझे उनके पैसों का कोई लालच नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। रजनीश बहुत परेशान था और यही तो अमित सिंघानिया चाहता था। वो जानता था कि जोश में आकर रजनीश ने हाँ तो कर दी है, लेकिन लाखों रुपए कमाना इतना आसान तो नहीं। इस बात को 4 महीने बीत गए। अब उसके पास सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। उसे लगने लगा था कि आकांक्षा को उसे अब भूल जाना चाहिए। तभी एक रात उसके पास आकांक्षा का फोन आया। कुछ नहीं हो रहा है आकांक्षा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे पापा सही कहते हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। मेरी मामूली तनख्वाह में मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। रजनीश ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ किसी भी हालत में खुश हूँ, लेकिन तुमने ही पापा के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया आकांक्षा, लेकिन तुम्हें पाने की मंजिल बहुत मुश्किल है। ये कहकर रजनीश रोने लगा और उसने रोते रोते फोन काट दिया। उसी दिन की बात है, रात को वो अपनी बाइक से घर लौट रहा था, जब उसकी बाइक काली पहाड़ी के शमशान से गुजर रही थी। तो उसे शमशान में एक तांत्रिक दिखा जो मुर्दे को खा रहा था। उसने तांत्रिकों के बारे में सुन रखा था कि इन लोगों के पास कई सारी शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता इस तांत्रिक के पास मेरी समस्या का हल हो। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की बात रजनीश को उसी तांत्रिक से पता लगी थी। बहरहाल रजनीश अब कर्ण पिशाचिनी की मदद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। रातों रात उसे करोड़ों का फायदा हुआ। उसने करोड़ों की लॉटरी का नंबर भी कर्ण पिशाचिनी की मदद से पता किया। कर्ण पिशाचिनी ने सब कुछ उसके कानों में बता दिया। 1 महीने के अंदर वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। हालांकि कर्ण पिशाचिनी किसी साये की तरह उसके साथ हमेशा रहती, उसकी पीठ पर लदी हुई। उधर अमित सिंघानिया तक रजनीश के रातों रात अमीर बनने की बात पहुंच गई थी। आश्चर्य है, उस लड़के ने इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे कमा लिया। वादे के मुताबिक अब अमित सिंघानिया को अपनी बेटी की शादी रजनीश से करनी थी, लेकिन रजनीश उनके पास जा ही नहीं रहा था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की कही बात उसके कान में बार बार घूम रही थी कि तुम्हें मुझे अपनी पत्नी की तरह रखना होगा और किसी और औरत के साथ तुम कभी नहीं जाओगे, और अगर तुम गए तो मैं मार दूंगी उस औरत को भी और तुम्हें भी। आकांक्षा की खातिर वो उससे दूरी बनाकर रहने लगा। अब उसने आकांक्षा का फोन उठाना भी बंद कर दिया। आकांक्षा ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने अपने नौकरों से कहलवा दिया कि वो घर पर नहीं है। आखिर रजनीश को क्या हो गया है, वो ना तो मेरा फोन उठाता है और ना ही मुझसे मिलना चाहता है। कुछ तो बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है, लेकिन क्या और क्यों। उधर रजनीश आकांक्षा को इग्नोर तो कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा था। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली है। इन पैसों का मैं क्या करूंगा जब मेरा प्यार ही मेरे पास नहीं है। उधर आकांक्षा को भी समझ नहीं आ रहा था कि रजनीश बदल क्यों गया है। एक दिन उसने रोते हुए किसी दूसरे नंबर से उसके पास फोन किया। रजनीश ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो उसका फोन काटने वाला था। तभी आकांक्षा ने कहा, तुम्हें मेरी कसम रजनीश, अगर तुमने फोन काटा तो कल मेरा मरा मुंह तुम देखोगे। आकांक्षा की बात सुनकर रजनीश सकपक आ गया। उसने आकांक्षा से कहा, आकांक्षा मेरी किस्मत ही खराब है, हमारा मिलन नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भूलने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मुझे भूलना होगा, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन रजनीश अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, पापा के चैलेंज को तुम जीत चुके हो, फिर तुम्हें अब क्या हो गया जो तुम मुझे भूलने के लिए कह रहे हो। तब रजनीश ने उसे कर्ण पिशाचिनी साधना से लेकर अब तक की सारी बातें बताई। ये तुमने क्या कर दिया रजनीश, ये तुमने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या होगा। वही सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि कर्ण पिशाचिनी द्वारा अमीर बनने की कीमत मुझे इस तरह चुकानी होगी। ये कहकर रजनीश ने फोन काट दिया।
दो दिन बाद की बात है, आकांक्षा का फोन फिर से रजनीश के पास आया। इस बार आकांक्षा ने उससे कहा कि रजनीश, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम किसी भी समस्या का हल कर्ण पिशाचनी से पूछ सकते हो, वो किसी भी समस्या का हल तुम्हारे कानों में बता सकती है। हाँ कहा तो था, लेकिन इससे क्या होगा? तुम कर्ण पिशाचनी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हो ये बात तुम उससे पूछो, वो तुम्हारे कानों में जरूर बताएगी। और एक बार वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसी रात की बात है, कर्ण पिशाचनी उसकी पीठ पर लटकी हुई थी, तभी उसने उससे कहा, कर्ण पिशाचनी, तुम्हारे पास सारे प्रश्नों का हल है ना? हाँ है, बोलो अब क्या जानना है तुम्हें? अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं चली जाऊंगी फिर से उसी बोतल में, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी होगी। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुमने जिस चीज को पाने के लिए मुझे प्रसन्न किया वो चीज मैं तुमसे छीन लूंगी। रजनीश को अपनी धन दौलत का कोई मोह नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। अगले दिन जब वो जगा तो कर्ण पिशाचनी उसकी पीठ पर नहीं बैठी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ये बात बताने के लिए आकांक्षा को फोन किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब रजनीश ने अपनी कार निकाली और आकांक्षा के घर जा पहुंचा, लेकिन उसके घर के बाहर आज बहुत धूप थी। उस भीड़ को देखकर उसका मन किसी अनिष्ट की आशंका से भर गया। कहीं आकांक्षा के पापा को तो कुछ नहीं हो गया? वो ये सोचते हुए आकांक्षा के घर के अंदर जा रहा था, तभी उसने देखा कि अमित सिंघानिया रोते हुए बाहर आ रहे हैं। रजनीश भागता हुआ उनके पास गया। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा ये कहकर अमित सिंघानिया फूट फूट कर रोने लगे और रजनीश को आकांक्षा के कमरे में जाने का इशारा किया। रजनीश भागता हुआ आकांक्षा के कमरे में गया तो उसने देखा कि आकांक्षा का मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा है। उसके सिर में खून लगा हुआ था। नौकरों से पता लगा कि कल रात को उसके सिर पर पंखा गिर गया और आकांक्षा मर गई। ये क्या हो गया आकांक्षा, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? वो रो रहा था तभी उसके कानों में कर्ण पिशाचनी की बातें गूंजने लगी। तुमने जिस चीज को पाने के लिए मुझे प्रसन्न किया वो चीज मैं तुमसे छीन लूंगी। रजनीश ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि कर्ण पिशाचनी उसकी आकांक्षा को छीनने की बात उससे कह रही थी, उसकी दौलत को नहीं। रात के 2:30 बज रहे थे। रह रहकर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। पुराना किला जिसके बारे में कहा जाता था वो किला भूतिया है और उसकी तरफ कोई दिन में भी जाने से डरता है। उसी किले में मोबाइल की रोशनी में रजनीश अपने हाथों में कुदाल लिए जमीन को खोद रहा था। पिछले 6 घंटे से मैं खुदाई कर रहा हूँ लेकिन अब तक मुझे ना तो वो किताब मिली है जिसमें कर्ण पिशाचिनी को मुक्त करने का उपाय लिखा हुआ है और न ही वो लोहे की बोतल जिसमें सैकड़ों साल पहले कर्ण पिशाचिनी को कैद किया गया है। अचानक रजनीश की कुदाल किसी चीज से टकराई और टन की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई है, वो बोतल जिसमें कर्ण पिशाचिनी कैद है वो मिल गई है। रजनीश ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, ये वही बोतल थी जिसमें सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने कर्ण पिशाचिनी को कैद किया था। रजनीश ने उस बोतल को सावधानी से निकाला और उस किताब को ढूंढने लगा जिसमें कर्ण पिशाचिनी को मुक्त करने का उपाय लिखा हुआ था। थोड़ी और खुदाई के बाद उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उस डिब्बे को निकाला और उसे खोला। उसके अंदर उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था कर्ण पिशाचिनी। ये तो वही किताब है, मुझे मिल गई ये किताब। बस अब मुझे जल्दी से मेरी मंजिल मिल जाए तभी तो सब सही हो पाएगा। रजनीश लोहे की बोतल में कैद कर्ण पिशाचिनी तक पहुंच तो गया था लेकिन उसकी मंजिल थी कर्ण पिशाचिनी से साक्षात मिलना और उससे अपने मनोरथ की सिद्धि करवाना। लेकिन इसके लिए उसे 41 दिन की साधना करनी थी, वो भी शमशान की काली अंधेरी रात। रजनीश किताब और उस बोतल को लेकर शमशान की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। जब वो एक कदम आगे बढ़ाता तो आग की लपटें सड़क से निकलने लगती और एक स्त्री की आवाज उसके कानों में पड़ती, रजनीश छोड़ दे ये रास्ता, छोड़ दे, मत कर साधना, मत कर, मारा जाएगा तू, मारा जाएगा, कोई नहीं बचाया आज तक, कोई नहीं, सबने कीमत चुकाई है इसकी, सबने, चला जा तू। रजनीश को पता था कि ये चीजें उसके साथ तब तक होती रहेंगी जब तक कि वो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध न कर ले, इसलिए उसने इस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया
और शमशान पहुंच गया। शमशान पहुंचने के बाद वो सबसे पहले पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। पीपल के नीचे उसने सबसे पहले 11 दिए जलाए और उतने ही नींबुओं को जमीन के नीचे दबाया और लोहे की उस बोतल को सामने रखा जिसमें कर्ण पिशाचिनी कैद थी और किताब को देखकर मंत्र पढ़ने लगा। उसकी साधना के 5वें दिन उसके आसपास कई सारे सांप इकट्ठा हो गए और जोर जोर से फुफकारने लगे। कुछ सांप उसके शरीर पर भी चलने लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कई सारे सांप हैं और कोई एक सांप मेरे शरीर पर भी चल रहा है? नहीं नहीं, ये सांप नहीं होंगे। जरूर ये वो शक्तियाँ हैं जो नहीं चाहती कि मेरी ये साधना सफल हो। हर दिन रजनीश के साथ कुछ न कुछ अजीब होता ही। कभी सैकड़ों कीड़े उसके शरीर पर चलते हुए उसे महसूस होते तो कभी उसके आसपास आग लग जाती और उस आग की जलन उसके शरीर में महसूस होती। लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद उसने अपनी साधना जारी रखी और 41वें दिन कर्ण पिशाचनी उस लोहे की बोतल को तोड़कर प्रकट हुई। रजनीश आंखें खोल, मैं आग। रजनीश ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने उस औरत को देखा जिसके बारे में अभी तक सिर्फ उसने सुना था। अपने सामने साक्षात कर्ण पिशाचनी को देखकर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे पता था कि वो अब कुछ भी कर सकता है। अब मेरी आकांक्षा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अब मैं भी बनूंगा पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, और इस शहर का सबसे बड़ा रईस। रजनीश अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी कर्ण पिशाचनी ने कहा, रजनीश तुम्हें पता है ना कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी पीठ पर सवार रहूंगी। हालांकि मैं किसी को दिखूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास रहूंगी और किसी भी मुसीबत या किसी भी प्रश्न का हल तुम्हारे कान में बताऊंगी। जी जी पता है मुझे। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखना होगा और किसी और औरत के साथ तुम कभी नहीं जाओगे, किसी औरत से प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं मिलोगे, और अगर तुम किसी औरत से मिले और उससे प्यार करने की कोशिश की तो मैं मार दूंगी उस औरत को भी और तुम्हें भी। रजनीश ने जैसे ही कर्ण पिशाचनी के मुंह से ये बात सुनी, उसे ऐसा लगा कि उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया है, क्योंकि उसने ये सब तो आकांक्षा को पाने के लिए किया था। आकांक्षा सेठ अमित सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। एक बार कॉलेज से लौटते हुए आकांक्षा का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। तभी वहां से रजनीश, जो अपनी बाइक से उधर से गुजर रहा था, उसकी नजर आकांक्षा पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी। ओह, इस लड़की की हालत तो बहुत खराब है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ना पहुंचाए तो पता नहीं इसके साथ क्या हो। रजनीश आकांक्षा को लेकर अस्पताल पहुंचा। आकांक्षा को ब्लड की जरूरत थी। रजनीश ने तुरंत अपना ब्लड डोनेट किया। रजनीश के कारण ही आकांक्षा की जान बच गई। आकांक्षा के पिता को तब तक अपनी बेटी के एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। वे भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें जब पता लगा कि रजनीश ने उनकी बेटी की जान बचाई है तो वे बहुत खुश हुए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा रजनीश, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाई है। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कुछ लेने के लिए तो ये नहीं किया। उस स्थिति में कोई भी होती तो मैं उसकी मदद जरूर करता, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आएगा। रजनीश एक फूड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस दिन आकांक्षा को अस्पताल पहुंचाने और उसकी देखभाल में उसका पूरा दिन निकल गया। उसे इस बात के लिए मालिक से थोड़ी डांट भी सुननी पड़ी। बहरहाल कुछ दिन बाद जब वो एक कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था तो उसे रेस्टोरेंट के बाहर आकांक्षा मिली। आकांक्षा को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हुआ। मैम, आपको पूरी तरह स्वस्थ देखकर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैम नहीं, मेरा नाम आकांक्षा है, तुम आकांक्षा बोलो। आकांक्षा जब पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसे पता लगा कि उसकी जान बचाने में रजनीश का कितना बड़ा रोल है तो वो ये जानकर रजनीश से बहुत इम्प्रेस हो गई और मन ही मन उसे प्यार भी करने लगी। उस दिन बातों बातों में उसने रजनीश को अपने दिल की बात भी बता दी। ये आप क्या कह रही मैम, आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। रजनीश, प्यार में अमीर गरीब नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है, और मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और बहुत करती हूँ। मेरी जो ये सांसें चल रही हैं रजनीश, ये तुम्हारी ही दी हुई हैं। रजनीश भी धीरे धीरे आकांक्षा की ओर आकर्षित हो गया और उससे प्यार करने लगा। लेकिन ये बात अमित सिंघानिया को पता लग गई। उसने एक दिन रजनीश को अपने घर बुलाया और उसकी खूब बेइज्जती। मुझे तो उस दिन ही तुम्हारे इरादे समझ जाने चाहिए थे जिस दिन तुमने मुझसे कुछ लेने से इनकार कर दिया था। अरे मुझे क्या पता था कि तुम्हारी नजर मेरी पूरी दौलत पर है। ये आप क्या कह रहे हैं सर। देखो तुम अपनी ये नौटंकी मेरी बेटी को दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी इस नौटंकी से मेरी बेटी तो इम्प्रेस हो सकती है, अमित सिंघानिया नहीं। सर आप गलत समझ रहे हैं,
चुप चुप करो और अपना ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो, दो कौड़ी के डिलीवरी बॉय। अमित सिंघानिया की ये बात अमित को चुप गई। आई एम सॉरी सर, आप इस तरह मेरी और मेरे प्रोफेशन की बेइज्जती नहीं कर सकते। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ बेइज्जती की है, तुम्हें लात मारकर यहाँ से निकाला नहीं है। भिखारी लड़के, क्या औकात है तुम्हारी, क्या औकात है? अरे जितनी तुम महीने में कमाते हो उससे कहीं अधिक की तो मेरी बेटी की एक ड्रेस आती है। कैसे रखोगे अपनी मरियल तनख्वाह में मेरी बेटी को? क्या करोगे, कल तो मेरे पैसे पर ही उसे पालोगे ना? पापा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ एक सूखी रोटी में भी खुश रह लूंगी। तुमने बहुत अच्छी तरह से मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है। अरे तुम में जरा भी गैरत है तो पहले उसके लायक खुद को बनाओ, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, इतने पैसे जितने में मेरी बेटी अभी वाली सारी चीजें मेंटेन कर सके, तब आना मेरे पास, मैं हंसी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और हाँ जाओ, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त भी देता हूँ पैसे कमाने के लिए, और अगर 6 महीने में तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी बेटी की लाइफ से दूर चले जाना, मैं उसकी शादी किसी और से कर दूंगा। ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।